बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही फेमस रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का सैंडविच। उसका मुकम्मल तरीक़ाकार, टिक्का बनाने का तरीक़ाकार मुकम्मल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक और सब्सक्राइब करें। वीवर्स, यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम दही बग़ैर मलाई के, और हमने इसमें शामिल किया है 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 चम्मच हमें इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और धनिया ग्राइंड किया हुआ, इसमें मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिले। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे टिक्का मसाला 1 चम्मच, 2 चम्मच शामिल कर दिए इसमें टिक्का मसाला हमने। और अब जो चीज़ इसमें शामिल करेंगे व्यूअर्स, वो भी गौर से देखते जाएं। बिल्कुल आसान तरीका है टिक्का पकाने का, आप होम रेसिपी में ये पका सकते हैं। तो ये हमने शामिल कर दिया इसमें तंदूरी मसाला, हमने शामिल कर दिया 1 चम्मच, 2 टिक्का का चम्मच और 1 जो है वो हमने शामिल किया है तंदूरी मसाले का, ठीक है। इसी तरीके और 1/2 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे सादा नमक, ठीक है। अब इसमें शामिल करेंगे हम फूड कलर, रेड फूड कलर आपने शामिल करना है। मुकम्मल तरीक़ाकार आपके साथ शेयर करें व्यूअर्स, आपसे नेक तमन्नाओं की हमें उम्मीद है। इंशाल्लाह रेसिपी जो है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर, रेड फूड कलर हम इसमें शामिल करके अब हम इसको मिक्स कर देंगे। कि जितना भी हमने मेजरमेंट बनाया है, हम सबको पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई भी चीज़ जो भी आपने बनानी है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करके देखना। व्यूअर्स, यही रिक्वेस्ट है आपसे, मुकम्मल देखें। इस तरीके से हम हाथों की मदद से इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। मसाला अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे तो ताकि जो खुशकपन है मसाले का वो भी ख़त्म हो जाए। और इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 4 अदद हमने हरी मिर्चें ग्राइंड किए और 7 से 8 जवे लहसुन के थे, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जो हमने इसमें शामिल कर दिया ग्राइंड करके। यही इसके कमालात हैं, यही इसका मिसाला है। बिल्कुल इजी और आसान तरीके के साथ आप ये घर पे भी बना सकते हैं, बिल्कुल इजी और उम्दा रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने 1 किलो बोनलेस लिया चिकन, इसको हमने बारीक बारीक काट के अच्छे तरीके से वाश किया है, बग़ैर सिरके के हमने इसको वाश किया है, और हमने इसमें टिक्के में शामिल कर देना है। मिसाला जो हमने रेडी किया है, सारा जो चिकन है इसमें मिक्स कर देंगे ताकि मिसाला एक जान हो जाए और मिसाला चिकन के अंदर तक बिल्कुल रच जाए। अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने का तरीक़ाकार जो बिल्कुल ईजी है, इसी तरीके के साथ आपने मिक्स करना है। बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छे तरीके के साथ। और टिक्का का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी जब टिक्का आपका बनेगा। आपने जब ये रेसिपी ट्राई करनी है तो आपने हमें बताना भी है क्या आपको ये रेसिपी कैसी लगी है हमारी। तो इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ और नई नई वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल आपने इसमें लाजमी शामिल करना है। उसके बाद आपने इसको 1/2 घंटे के बाद कवर करके रख के फिर इसको पकाना है। 4 से 5 चम्मच हमने इसमें घी के शामिल करने हैं कढ़ाई के अंदर, और इसको पकाना शुरू कर देना है। 1 किलो टिक्के का मिसाला ये जो मैं आपके साथ शेयर किया मैंने, ये 1 किलो टिक्के का मिसाला है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 1 किलो का ही जो मिसाला लगाना है तो आपने इसी तरीके से लगाना है। तो माशाल्लाह जो टिक्का है हमारा वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो खुशक हो गया। तो याद रहे कि टिक्का का जो जब भी आपने पकाना है तो बिल्कुल इसको खुशक नहीं करना, आपने बिल्कुल भी खुशक नहीं करना है। तो बिल्कुल खुशक हो जाता है वो बाद में जब आप निकालेंगे ठंडा होगा तो बोटी हार्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं करना। इसको दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है और बिल्कुल ज़बरदस्त पकेगा ये दरमियानी आँच पर। तो इसमें थोड़ा बहुत अगर मिसाला रह भी जाए तो उसका कोई मसला नहीं है, वो बाद में जब आप बाहर निकालेंगे इसको डिश में निकालेंगे
तो खुशक हो जाएगा सारा, बोटी जितनी भी है वो खुशक हो जाएगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। देखिए हमारी ये बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो गई है, ये देखिए बिल्कुल बोटी जो है हमारी बिल्कुल गल गई है तिक्के की। अब हम इसको एक डिश में निकाल देंगे एक प्लेट की मदद से, पहले इसकी चारों साइडें साफ़ करके अच्छे तरीके से कढ़ाई की एक इसको डिश में डाल देंगे। सही है, अब ये तिक्का जो मैंने पकाया था उसके आप देख लें बिल्कुल खुशक नहीं है, हल्का हल्का सा इसमें ग्रेवी है इसमें, ताकि बाद में जब ये ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिक खुशक हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने में अपनी राय से आगाह भी करना है और हमें बताना भी है। तो टिक्के को अच्छे तरीके से हम ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद अब चलेंगे इसकी अगली तैयारी की तरफ। तो सैंडविच कैसे लगाना है, आपने टिक्का हम ये सारा यूज़ नहीं करेंगे, टिक्का हम थोड़ा यूज़ करेंगे, जितना हमने रेसिपी के लिए तैयार करना है उतना ही मैं आपसे साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया ब्रेड, एक पीस के ऊपर हम लगाएंगे पहले मायनीज, अच्छे तरीके के साथ मायनीज लगा के इसके मायनीज जो है आपको चारों तरफ से इसके लगाना है, सिर्फ कोने छोड़ के। ठीक है, अगर कोनों पे लगाएंगे तो वो छुरी के साथ वो किनारे कट जाते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर मायनीज ज़ाया हो जाता है। जी तो व्यूअर्स, बिल्कुल उम्दा और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो टिक्के की बोटियाँ जो हैं हम इसके ऊपर लगाएंगे फैला के, अब इसके ऊपर एक स्लाइस का पीस और रखेंगे इस तरीके से बिल्कुल बराबर। तो याद रहे कि पीस जो हैं वो आपके बिल्कुल बराबर होने चाहिए, आगे पीछे पीस नहीं होना चाहिए। ऊपर लगाएंगे हम इसके ऊपर कैचअप, चिली कैचअप है ये, सादा नहीं है ये, मिर्चों वाली कैचअप है ये। कैचअप लगा के अब इसको मज़ीद जो है वो आप देखें कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपके साथ ये शेयर करेंगे। इस पर ही हम टिक्का लगा के इस तरीके से एक स्लाइसेस का पीस इसके ऊपर और रख देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर मायनीज लगाएंगे, अब तीन पीस हो गए, चौथे पीस की तैयारी के लिए तीसरे पीस पे हमने मायनीज लगाना है। मायनीज लगा के इसके ऊपर खीरे के पीस लगाएंगे हम तीन अदद। तो खीरा जो है आपने लंबी शेप में काटना है, ठीक है, खीरे जो आपने लंबी शेप में काटेंगे तो अच्छे लगेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे और कटाई में भी आसानी रहेंगे माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह से चारों स्लाइस जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब इनको हल्का हल्का सा ऊपर से दबाएंगे ताकि ये सारे जज़ब हो जाएं एक दूसरे के साथ, पीस जो हैं वो चिपक जाएँ। अब इसके साइडें जो हैं वो काटेंगे, साइडें हल्की काटें आप, ज़्यादा अगर ज़्यादा काटेंगे तो सैंडविच का पीस जो है एक साइड से छोटा होगा और एक साइड से बड़ा होगा। चारों साइडें जो है बिल्कुल हल्की हल्की काटें ताकि जो किनारे होते हैं ना बस वही किनारे जो हैं वही साइड पे हों, ज़्यादा अगर ब्रेड अंदर चली जाती है तो पीस छोटे बड़े हो जाते हैं। तो माशाल्लाह व्यूअर्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने हमें ज़रूर बताना है ताकि हमें भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट्स में बताया कि बहुत अच्छी रेसिपी है ये। माशाल्लाह इस तरीके से हमने इसको काट दिया, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक वाइज आपका टिक्का जो है सैंडविच वो बिल्कुल रेडी हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।